Hello friends, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 5 and page number 6 of Science 1 that comes under gravitation chapter. So without any further delay, let's dive into these pages. अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 के स्टार्टिंग में आपको एक डेफिनेशन मिलेगा सेंटर ऑफ मास के बारे में। एक ऐसा पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मेरे पास नोटबुक है। अब इस नोटबुक पे मैं एक जगह पे, बस ये एक जगह पे, इस पॉइंट पे मैंने इस नोटबुक को पूरी तरीके से होल्ड करके रखा। ध्यान दीजिएगा, अभी मेरे को इस नोटबुक को ऊपर लिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस तरीके से इसको ऐसे लिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने कहीं पे भी इस नोटबुक को इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं पे इसे टच करके ऊपर नहीं किया। मैंने बस वो पॉइंट पकड़ा जहां पे इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और जस्ट उसी पॉइंट पे मैंने फिंगर रखा, उधर से मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस बुक को लिफ्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बुक के अंदर ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे इसका ये पूरे ऑब्जेक्ट का ये मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्पीयर शेप में है, मीन्स ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, स्पीयर, तो जरा सोचिए कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो यस, उस स्पीयर वाले शेप का ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा। पर अगर ऑब्जेक्ट का शेप नॉन स्फेरिकल है या वो इररेगुलर शेप का है, तो अब इस जगह पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्योंकि वो नॉन स्फेरिकल है तो उसको तो सेंटर तो होगा नहीं। तब इस जगह पे उसका जो भी पूरा सेंटर ऑफ मास रहेगा, वो सिचुएटेड रहेगा एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। अभी सेंट्रोइड क्या है, तो सिंपली जैसे सेंटर ऑफ मास है, सेंट्रोइड भी एक पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ओके, तो अब हम समझते हैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट इज इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। वो कहां पे हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है। पर ये किस तरीके से पॉइंट है, एट विच द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड और कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब क्या, ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, इकट्ठा हो, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का। अगर एक टेबल के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स को रखा जाए, तो क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है या नहीं। तो सिंपली एक टेबल के ऊपर आप और आपका फ्रेंड बैठा है, तो क्या आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और अगर लगता है तो क्यों नहीं आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे में टकरा जाते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, सॉल्व एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये चीज हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो सिंपली फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ डील करता है इनर्शिया के साथ, सेकंड लॉ डील करता है फोर्स के साथ, थर्ड लॉ डील करता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के साथ। ओके, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तीन इक्वेशन दिए थे न्यूटन ने, पहला v = u + a, सेकंड s = ut + half a t², और थर्ड b square minus u square equal to 2s, okay? और इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो है f = g m1 m2 upon d square, या नहीं तो ये d square की जगह पे मैं सिंपली r square भी ले सकता हूँ, कि r और d दोनों सेम है, दोनों डिस्टेंस को यूनिट करते हैं। सो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल पे, इसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। तो क्या है उसका क्वेश्चन, तो महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter, दो पर्सन है महेंद्र एंड विराट, और ये दोनों पर्सन 1 meter के डिस्टेंस पे बैठे हैं फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से 1 meter के डिस्टेंस पे बैठे हैं। देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली, मतलब 75 kg किसका मास होगा, तो महेंद्र का होगा, एंड 80 kg किसका मास होगा, तो विराट का होगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो महेंद्र और विराट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, सिंपली डिस्टेंस दिया है, महेंद्र और विराट दोनों कितने डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो 1 meter के डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो डिस्टेंस
इसको हम किसका किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं तो आर के साथ भी डिनोट कर सकते, पर क्योंकि आपके टेस्ट बुक में आर लिया है तो हम लोग इधर से डी हटा देंगे, हम लोग उसको आर के साथ डिनोट करेंगे। तो कितना दिया है यार, तो आर दिया है हम लोग को 1 मीटर। ओके अब आगे देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब कैपिटल जी का वैल्यू रहता है, लिखे लग दिया जो कितना होता है 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, तो सिंपली ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, तो एफ के साथ हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला तो हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इक्वेशन पढ़ा था ना, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम इसके साथ यूज करना है। ठीक है अब हम आते हैं इसके एक्चुअल सोल्यूशन पे। सो बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से लेफ्ट साइड में मेरा फोर्स ये जी का वैल्यू कितना है इधर पे 6.67 × 10⁻¹⁹ मैंने उसको एज इज इधर पे लिया 6.67 × 10⁻¹⁹ ठीक है ये हो गया मेरा जी। फिर आता है m1 कितना है मेरा 75 kg, तो ये क्या है मेरा m1। फिर आता है m2 कितना है मेरा यहाँ पे 80 kg, तो ये है मेरा m2 ठीक है। फिर नीचे है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर मीन्स का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो इधर पे सेंटी के 1 75 को मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ, 80 को इधर पे लिख दे रहा हूँ, 10⁻¹⁹ को इधर पे लास्ट में लिख देगा। अब फोर्स इधर पे ही है 6.67 इधर पे ही, मैंने क्या किया ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 75 × 80 मैंने इधर पे किया। आपको चाहिए तो आप पहले ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे ये चीज़ इजी लगता है इसलिए मैं पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में मुझे वैल्यू कितना है 6000, इसका रफ ऑफ मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया ठीक है। 75 × 80 कितना है 6000, तो यहाँ पे 6000 मैंने लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹⁹ ओके। अब एफ एज इट इज आएगा 6.67 एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखिए इस 6000 को, ये 6000 को मैंने किस तरीके से इधर पे शो किया, तो 6 × 10³ के हिसाब से शो किया है और ये 10⁻¹⁹ मेरा एज इट इज। आपको ये चीज समझना पड़ेगा इधर पे कि 6000 है तो 6000 को मैंने सिंपली इधर पे 0 थे, तो मैंने जस्ट उसको 10⁻⁹ के हिसाब से दे दिया, तो टोटल कितने 0 थे, तो 3 0 थे, तो इसलिए मैंने इसको 6 × 10⁻³ दिया है ओके। अब इसके बाद f मेरा एज इट इज आ गया, 6.67 भी एज इट इज आ गया, ये 6 एज इट इज है और ये 10⁻³ × 10⁻¹⁹ ये इंडाइसेस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 11 − 3 = 8 और कौन बड़ा है तो 11, तो 11 का संख्या है माइनस, तो इसलिए इधर तो मैंने क्या लिखा 10⁻⁸। ये सिंपल बेसिक मैथ्स था, ये तो बाकी कुछ नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये 6.67 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर पे मैंने उसका बेसिक इधर पे शो किया है 6.67 × 6 = 40.02। होता क्या है कि हमें कभी भी डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट को रखना चाहिए और वो एक डिजिट 1 to 9 के बीच में ही होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको जरा इधर पर एडजस्टमेंट किया। अगर आप इधर पे देखेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में टोटल 2 digits है, तो इसको मैं क्या करूंगा 1 digit करूंगा, तो 1 digit करने के लिए सिंपली क्या, मुझे ये डेसिमल को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वही किया, ये डेसिमल को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा, तो क्या मिला मुझे 4 decimal 002। तो जब मैंने इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो मेरा इधर पे 10⁻¹⁹ आ जाएगा ठीक है। सिंपल बेसिक मैथ्स।
4.002 × 10^1 आ जाएगा, और ये 10^-8 मेरा एज इट इज इधर पे, ये वैल्यू मैंने एज इट इज इधर पे लिख दिया 4.002 और 10^1 × 10^-8 प्लस माइनस माइनस 8 − 1 = 7 साइन ऑफ रिटर्न नंबर माइनस टू माइनस 10^-1 तो ये है मेरा फाइनल वैल्यू इस सॉल्व एग्जांपल कितना है ये 10^-7 ध्यान से देखिए कितना है -7 मतलब बहुत बड़ा नंबर है क्या नहीं ऐसा नहीं है ये नेग्लिजिबल है अगर मैं इसको ऐसा लिखूं सिमिलर टू 0 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 10^-7 में चल रहा है ये वैल्यू किसका है तो फोर्स का है तो फोर्स किसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था तो सिंपल महेंद्र एंड विराट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके बारे में पूछा गया था तो वो चीज हमने इधर पे कैलकुलेट किया कितना लग रहा है 4.002 × 10^-7 न्यूटन विच इज नेग्लिजिबल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग तो रहा है बट वो नेग्लिजिबल है यही नेग्लिजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से महेंद्र एंड विराट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते अब मान लीजिए कि जिस बेंच के ऊपर महेंद्र बैठा है उस बेंच को अगर मैं फ्रिक्शनलेस कर देता हूँ तो महेंद्र और उस बेंच के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा अब ऐसे सिचुएशन में ये जस्ट एक एजम्पशन चालू है पर ऐसे सिचुएशन में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाला है ना जो अभी इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा क्यों क्योंकि फ्रिक्शन 0 हो चुका है जिस बेंच पे महेंद्र बैठा है तो महेंद्र विराट के तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा तो इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड सॉल्व एग्जांपल है सो अब हम आते हैं हमारे सेकंड सॉल्व एग्जांपल पे और सेकंड सॉल्व एग्जांपल पूरी तरीके से लिंक है फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल से तो इसके क्वेश्चन में ही फर्स्ट लाइन में आपको ये चीज मिल जाए इन दी अबव एग्जांपल मतलब यहां पे बात की जा रही है फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल की तो इन दी अबव एग्जांपल अज्यूमिंग दैट बेंच ऑन विच द महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस क्या बोला जा रहा है कि ऐसा अज्यूम करिए कि जिस बेंच पे महेंद्र बैठा था ना वो बेंच फ्रिक्शनलेस है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो है और इधर पे फ्रिक्शन भी 0 हो चुका है तो महेंद्र विराट की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा तो मूव होना स्टार्ट होगा तो मूव तो 0 से ही होगा तो यही इधर पे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होने से व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड विराट आफ्टर 1 सेकंड तो एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी रहेगा महेंद्र का विराट की तरफ मूव होने का हमें वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और क्या बताना है will this velocity change with time and how क्या ये velocity time के साथ change होगा और अगर होगा तो किस तरीके से change होगा तो अब हम देखते हैं इसके given को इसके given में क्या क्या चीज मिलेगा हमें तो simply first example से ये link के मैंने starting में आपको बताया तो first example में हमने gravitational force find out किया था महेंद्र और विराट के बीच में तो इधर पे simply मैंने वही चीज देखा कि gravitational force acting on महेंद्र that is F कितना था वो 4.002 × 10^-7 और क्या दिया था फर्स्ट एग्जांपल में कि महेंद्र का मास हमें मालूम था कितना था तो 75 kg इसको हम लोग m के साथ डिनोट करेंगे और इधर पे हमें एक और गिवन मिल रहा है टाइम तो कितना है टाइम जिसको हम लोग स्मॉल t के साथ डिनोट करेंगे वो है 1 से क्या चीज फाइंड आउट करना है हमें इसके अंदर महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड विराट जिसको उस वेलोसिटी तो उसको हम लोग किसके साथ डिनोट करेंगे तो कैपिटल b के साथ ये चीज हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ठीक है ये चीज मैंने बेसिक में आपके लिए कवर किया था ठीक है तो मैंने ये फार्मूला का यूज करके ये फार्मूला एक्सेलरेशन के इधर पे डिराइव किया अब जस्ट वैल्यू रखने अपने को एक्सेलरेशन हमें इधर पे निकालना पड़ेगा सबसे पहले फोर्स इधर पे गिवन में हमें मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 4.002 × 10^-7 तो मैंने यहां पे लिख दिया मास ऑफ महेंद्र 75 kg यहां पे मैंने अब इसके आगे सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरे को डेसिमल से बहुत ज्यादा डर लगता है तो सबसे पहला जो मैं काम करूंगा वो इसके अंदर से डेसिमल हटा दूंगा तो मैं किस तरीके से हटाऊंगा तो सिंपली मैं ये डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ कितने बार मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा अगर मुझे डेसिमल को पूरी तरीके से हटाना है तो सिंपल 1, 2, 3 मुझे 3 बार इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो जैसे मैं इस डेसिमल को 3 बार राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू आ जाएगा सिंपल 4002 एज इट इज देगा मल्टीप्लाई बाय 10^ मैंने क्योंकि इसको राइट साइड में शिफ्ट किया है तो
10 रेज टू क्या आ गया मेरा माइनस, और कितने बार मैंने शिफ्ट किया है 3 बार शिफ्ट किया, ठीक है। ये बेसिक ये चीज को 4.002 को मैंने इधर पे इस तरीके से कन्वर्ट किया, बाकी जो 10 रेज टू माइनस 7 था वो एज इट इज इधर, तो ये जो डिवाइड बाय 75 था वो भी एज इट इज इधर। अब मैं क्या करता हूं कि 4002 मेरा इधर पे ही है, 10 रेज टू माइनस 3 इनटू 10 रेज टू माइनस 7 सिंपल इंडाइसेस का रूल, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 10, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो इधर पे क्या आ गया 10 रेज टू माइनस 10 और डिवाइड बाय 75 एज इट इज, ओके। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला इधर पे 10 रेज टू माइनस 10, बाकी 4002 और 75 मेरा एज इट इज। अब मैं ये दोनों को सेपरेटली लिखता हूं और ये 10 रेज टू माइनस 10 को सेपरेटली लिखता हूं, मींस 4002 ऊपर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में 75 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 10। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस चीज को सॉल्व कर दूंगा, मैं इसको देखूंगा अभी नहीं, मैं सिंपली बस क्या करूंगा इस चीज को सॉल्व करूंगा। तो मुझे सिंपली 4002 डिवाइड बाय 75 एज इज करना है, जो मैंने इधर पे रफ वर्क में किया। आप वीडियो पॉज करके ये चीज क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं फाइनली इसके आंसर पे आता हूँ, क्या निकला इधर का आंसर 53.36, ठीक है। तो वो मैंने इधर पे डायरेक्टली इधर पे डिवाइड करने के बाद 53.36 इनटू 10 रेज टू माइनस 10 मेरा एज इट इज। जनरली हम लोग डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट को रखते हैं, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में दो डिजिट होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेसिमल को एक बार इधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो 10 रेज टू माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ध्यान से, मैंने डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो 10 रेज टू प्लस आएगा। इस केस में मैंने कितने बार शिफ्ट किया, तो एक ही बार शिफ्ट किया, तो 10 रेज टू प्लस 1 आएगा, ओके। तो जब मैंने इसको इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो क्या आ गया मेरा वैल्यू 5, ये डेसिमल इधर का आ गया डेसिमल और 336 एज इट इज इनटू 10 रेज टू 1, ये सिंपली मैंने इसको इधर पे एक्सपांड किया है, ओके। और ये 10 रेज टू माइनस 10, ये 10 रेज टू माइनस 10 मेरा एज इट इज, क्लियर इधर तक, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को इंडाइसेस के रूल के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा प्लस 1 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 1 9, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो क्या आ जाएगा सिंपली 10 रेज टू माइनस 10 और बाकी ये जो चीजें कॉन्स्टेंट चल वो एज इट इज रहेगा। तो ए मेरा एज इट इज है 5.336 है, 10 रेज टू माइनस 9 जब सॉल्व करने के बाद आ गया 10 रेज टू माइनस 9, तो क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अच्छा अब इसके बाद एक और छोटा सा एडजस्टमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डेसिमल के बाद हम लोग जनरली दो ही डिजिट को लेते हैं, डेसिमल के पहले हम लोग जनरली एक ही डिजिट को लिखते हैं और डेसिमल के बाद हम लोग जनरली दो डिजिट को लेते हैं। पर इस सिनेरियो में अगर आप देखते होंगे इस जगह पे तो डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट है, तो मुझे कुछ भी करके डेसिमल के बाद ये जो 3 डिजिट है उसको वाइंड अप करके 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मतलब ये 3 मेरा एज इट इज रहेगा, पर ये 3 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 को मैं किस में चेंज करूंगा, 3 के बाद क्या है 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है तो सिंपली मैं इस 3 को किस में कन्वर्ट कर दूंगा 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा इधर पे नंबर, तो 5 मेरा एज इट इज है, डेसिमल एज इट इज है, ये 3 भी एज इट इज है, और ये जो 3 है ना ये 3 किस में कन्वर्ट हो गया 4 में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इधर पे 6 है जो 5 से बड़ा है, ठीक है। बाकी 10 रेज़ टू माइनस 10, 10 रेज़ टू माइनस 10 मेरा एज इट इज है, मीटर पर सेकंड पर, मीटर पर सेकंड पर एज इट इज, ओके। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया। पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वी, तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन निकालने के लिए, सिंपल, क्योंकि जब तक मैं एक्सप्लोरेशन नहीं निकालूंगा मैं वेलोसिटी भी नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से वी का वैल्यू क्या होता है, यू प्लस एटी होता है। अब वी वी यही तो मुझे निकालना है ना, वी यही तो मुझे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मुझे इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखते हैं इधर पे वी क्या है, मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। तो वी तो मुझे निकालना है, यू इनिशियल वेलोसिटी। अब जरा सोचिए कि इस सिनेरियो में महेंद्र और विराट के सिनेरियो में मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जैसे ही महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है वो बेंच फ्रिक्शनलेस हो गया
तो महेंद्र विराट की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा, पर जब वो मूव होना स्टार्ट होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा ना, मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा ना, फिर बाद में कितना होगा वो हम लोग निकालते, पर उसका इनिशियल तो जीरो ही रहेगा। इसके लिए मैं इस यू को इधर पे जीरो पुट कर रहा हूँ, प्लस प्लस एस्केलरेशन, तो मैंने एस्केलरेशन इधर पे निकाल दिया, इधर पे पुट कर दिया, जो है 5.34 × 10⁻¹ है, और मल्टीप्लाई बाय टी, तो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 1 सेकंड, इधर पे मैंने गिवन में भी लिखा है 1 सेकंड, तो टाइम कितना आ रहा है जल्दी मल्टीप्लाई करो, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो ये तो हट गया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 दैट नंबर ओनली, तो बी क्या दे देगा, सेम 5.34 × 10⁻¹ b है वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब जाके हमें मालूम पड़ गया कि जिस बेंच के ऊपर महेंद्र बैठा है अगर वो बेंच फ्रिक्शनलेस हो जाता है तो महेंद्र विराट की तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा विद द वेलोसिटी ऑफ 5.34 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड। अब जरा प्रैक्टिकली इसको सोचिए कि वेलोसिटी 10⁻¹, तो ये भी अगर देखा जाएगा तो सिमिलर है किसके, जीरो के, मतलब मूव तो होगा पर उसका वैल्यू इतना कम है कि उसका इफेक्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कंसेप्ट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है दोनों के बीच में पर वो इतना कम है कि उसका इफेक्ट नहीं दिखता। उसी तरीके से जब बेंच का फ्रिक्शन हट जाएगा तो मूव होना तो चालू हो जाएगा पर वेलोसिटी इतना कम रहेगा कि उसका इफेक्ट हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी हमने इधर पे निकाला है, ये वेलोसिटी एक्चुअल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, इसका फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी वो तो जीरो रहेगा, वो ध्यान दीजिए, वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा। और इससे इस इक्वेशन से आप ये चीज कंक्लूड भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि जब एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा कम होगा, डिस्टेंस कम होना स्टार्ट होगा। अब जब डिस्टेंस कम होना चालू होता है तो हमने एक चीज पढ़ा है कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा इंक्रीज होगा, ओके, और जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा इधर पे वापस, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो उसके साथ मेरा वेलोसिटी भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा महेंद्र का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि महेंद्र और विराट के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है और क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसके वजह से महेंद्र का वेलोसिटी भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड